न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं मनस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। 90 करोड़ के बजट में बनी धाकड़ ने की 2.58 करोड़ की कमाई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को हुआ था 155 करोड़ का नुकसान। कंगना रनौत स्टारर फिल्म धाकड़ पूरी तरह फ्लॉप हो गई। 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक 2.58 करोड़ की ही कमाई की है, जो एक डिजास्टर कही जा रही है। 20 मई को रिलीज हुई इस फिल्म के 27 मई को पूरे देश में 20 टिकट ही बिके, जिससे फिल्म ने 4,420 रुपए की कमाई की है। धाकड़ से पहले भी कई फिल्में भारी नुकसान में रही, जो डिजास्टर कही जाती हैं, और कमाई घटना तो दूर, अपने बजट भी नहीं निकाल पाई हैं। 300 करोड़ में बने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को 155 करोड़ का, तो बॉम्बे वेलवेट को 90 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हनुमान के जन्म स्थान पर विवाद। जी हाँ, अब सारे भगवानों के बाद आया नंबर हनुमान जी का। अब हनुमान जी के भी जन्म स्थान पर विवाद चालू हो गए। नासिक में बुलाई गई धर्म संसद रथ यात्रा से पहले स्थानीय लोगों का विरोध भी शुरू हो गया। पूरे शहर में लगी धारा 144 महाराष्ट्र में जारी हनुमान चालीसा। लाउड स्पीकर विवाद के बाद भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव को जन्म स्थान को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। आज नासिक में इस विवाद पर धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे शहर के अंजनेरी इलाके में होने वाली इस धर्म संसद से पहले पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। यही नहीं, इसके आयोजक महंत गोविंद दास की रथ यात्रा को रोकने के लिए पुलिस स्टेशन में तहरीर भी दी गई है। नासिक पुलिस ने आयोजकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल महंत गोविंद दास का दावा है कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान कर्नाटक के किष्किंधा में था, इसी को लेकर वे अजनेरी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इसके लिए नासिक पुलिस से मंजूरी नहीं दी। इस धर्म संसद में रामायण, वेद और संस्कृत के देश भर के जानकारों का जमावड़ा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है। 2 जून को भाजपा में शामिल होंगे हार्दिक पटेल, सीएम दिलाएंगे सदस्यता। राहुल पर आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ी थी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 2 जून को भाजपा में शामिल होंगे। अहमदाबाद के भाजपा कार्यालय कमलम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पटेल पाटिल हार्दिक को पार्टी ज्वाइन कराएंगे। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में 15,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। 17 मई को दिया था इस्तीफा। लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हार्दिक ने 17 मई को ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे। इस्तीफे के बाद से वह लगातार भाजपा के कामों की तारीफ कर रहे थे और खुद को हिंदुत्व का समर्थक भी बता रहे थे। तभी से ही इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वह भाजपा में शामिल होंगे। आज की खास खबरों को विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए हमारा न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।